चौरी चौरा क्षेत्र में 2007 में हुए डॉक्टर के मिश्रा अपहरण कांड में शामिल फरार 50,000 का इनामी अपराधी अभोरेक यादव को पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने खोराबार थाना क्षेत्र से मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। रिजर्व पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में घटना का सनसनीखेज खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया कि 14 साल पहले 2007 में चौरी चौरा क्षेत्र के प्रसिद्ध डॉक्टर के मिश्रा के अपहरण कांड में शामिल बांके यादव गैंग का फरार 50,000 का इनामी अपराधी अभोरेक यादव को मुखबिर की सूचना पर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने खोराबार थाना क्षेत्र के बानपोखर मंदिर के आगे फोरलेन अंडरपास के नीचे से मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस ने 12 बोर का देसी तमंचा और कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्त अभोरेक यादव पर चौरी चौरा और खोराबार थाने में कई आपराधिक मुकदमा पंजीकृत है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने अपहरण कांड में फरार इनामी बदमाश की गिरफ्तारी करने वाली टीम को बधाई दी। इस अवसर पर SP क्राइम महेंद्र पाल सिंह सहित अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने कहा, देखिए थाना चौरी चौरा में 2007 में एक डॉक्टर के मिश्रा के अपहरण हुआ था। अपहरण के साथ लूट भी हुआ था, उनके साथ जो कैश भी था वो सब चला गया था, जिसमें बांके यादव नाम के मऊ के रहने वाले अपराधी जनपद मऊ के उसके गैंग के सदस्य इन्वॉल्व थे। 2007 में केस वर्कआउट हुआ था, 14 लोग लाइट में आए थे, इसमें सभी गिरफ्तारी हो चुकी थी सिवाय 2 लोग बच गए थे उसमें, जिसमें आज उनमें से एक अपराधी को खोराबार पुलिस और हमारे स्वाट सर्विलांस टीम ने अदम साहस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, जिनके नाम है अभोरेक यादव पुत्र वंश बहादुर यादव सिहुलिया थाना मधुबन जनपद मऊ के रहने वाला था। ये बांके यादव का गैंग का सक्रिय सदस्य था। बांके यादव के गैंग ने चौरी चौरा में 2007 में डॉक्टर के अपहरण किया था, उसी में जो ये 50,000 की रिवॉर्डेड क्रिमिनल था इनको आज गिरफ्तारी हुई है। कोराबार पुलिस के द्वारा किया गया है और क्राइम ब्रांच उसमें अहम भूमिका निभाई है। यही कोराबार क्षेत्र से ही बरामद हुआ है। मुठभेड़ के दौरान इनसे अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। इसमें जो उल्लेखीय बात है, इनके गैंग का लीडर है बांके यादव, वो मुठभेड़ भी मारा जा चुका है पूर्व में। तो ये सक्रिय गैंग था, इसका एक सक्रिय सदस्य को पकड़ा गया है और आगे भी इसमें से एक और वांटेड है, इसकी भी तलाशी जारी है लगातार।